नाम प्याय सुख पांच दुष्ट लै सत ज्ञान कर्म ना दाना सार ना दाना तेरी तो बात ना कर समझो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਛ ਨੂੰ ਜਦ फैसला कर तो पहला इस नाल जुड़े सन 2007 तो आ रहे घटनाक्रम ते पंथक जथेबंदियां नाल दीर्घ विचार करना चाहिदा सी। तख्त साहिबान दे सेवादारां वल्लों लै गए फैसले नाल विश्व भर विच खालसा पंथ नूं शर्मिंदगी उठाउणी पई है। असी खालसा पंथ दीआं भावनावां नूं समझदिआं ज्ञानी गुरबचन सिंह जी मुख सेवादार श्री अकाल तख्त साहिब अते दूजे तख्त साहिबाना दे सेवादार ज्ञानी मल सिंह ज्ञानी गुरमुख सिंह ज्ञानी इकबाल सिंह ते भाई ज्ञानी राम सिंह नूं स्पष्टीकरण देण लई श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे 9/5/547 23 अक्तूबर 2015 सवेरे 10 बजे तलब करन दा फैसला लिया है। क्योंकि खालसा पंथ के सामने हर सिख सेवक भावें वह किसी भी वड्डे तो वड्डे अहुदे ते क्यों ना होवे सब जवाबदेह हन। भी कभी कोई इहो जिही प्रक्रिया जिहड़ी तख्तां दे जथेदार साहिबान नूं सद्दण दी जां तलब करन दी है। तख्त साहिबान दे जथेदार आप दी थां ने पंज प्यारे साहिबान दा अहुदा उह अहुदा है जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप साजिया सी और उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं लोड़ पैण ते पंज प्यारे सिंघां ने गुरु साहब जी की बांह फड़ के कहा कि सतगुरु जी थोड़ी तो बार जरूरत है चमकौर की गढ़ी छड़ जाओ। और उस तो बाद फिर जो एक थान गुरु साहब जी ने तीर के नाल नमस्कार की सुखमनी साहब का पाठ की फतेह बुलाई सी उस वेले खालसा पंथ ने कहा सामने एक समाध है तुम इस समाध में मत्था घुटो क्या तो उस वेले भी पांच प्यारे सिंघां दे सन्मुख गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खड़ गए सन। इसलिए पांच प्यारे श्री अकाल तख्त साहिब इन्हों पूरा पूरा अधिकार है और पंज प्यारे साहबान उदों ही गल करते हैं जदों कोई बहुत वड्डी गल जां सिर तो पानी लंघ जाए। आम हालातों में असी किसी को तलब नहीं करते। हुण समा आ गया सी कि जदों सिंह साहबान जिहड़े अपना आधार संगतां विचों गुआ चुके सन इसलिए इस समय ते सानू ये स्टैप चुकना असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वल्लों बख्शी हुई मर्यादा अनुसार सिंह पंचन मह मेरो वासा पूर्ण करो तहें जे आसा उहदे पाए हुए पूर्णियां ते चल के ही यह कार्य किया है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।